अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेवन क्लास के बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक हैं? आज आपका जो टॉपिक है वो है हमारे पास 1.4। ये इतना आसान टॉपिक है आपका। इसमें आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें दे दी है, बी की दे दी है और सी की वैल्यू दे दी है। तो इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए करेंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है और इधर ए यूनियन सी और सी यूनियन ए है, तो ये कम्यूनिटी ऑफ यूनियन है। इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ए की वैल्यू आप लगाएंगे सारी ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप लगाएंगे। फिर आप देखेंगे दोनों में कौन सी सेम है, तो दोनों में जो सेम है वो हमारे पास ए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। करना क्या आपने, बस जो बी की वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू आप बाद में लिखेंगे। इन दोनों में जो सेम होगा वो देखेंगे, आज दोनों में ए सेम है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ये आपको टोटल 6 क्वेश्चन है, दो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपने 4 होम करने हैं। हर एक में दोनों साइड का आंसर आपका सेम आएगा जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है कि ए यूनियन सी इक्वल सी यूनियन ए। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड कर दिए, जब ए यूनियन सी ले लिया, ए की वैल्यू आ गई, सी की आ गई, इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना। पहले आएगा ए फिर सी फिर ई जी आई ओ यू। आपने ए बी सी के जो वर्ड्स होते हैं इनको आपने अरेंज करके लिखना होता है, ठीक है? तो उसके बाद आपकी आ गई दूसरी साइड जो है हमारे पास जी, वो है इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब आपने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो इधर आपने लिख लेना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है सी यूनियन ए। तो सी की वैल्यू आप लिखेंगे पहले और ए की वैल्यू आप लिखेंगे बाद में। इसका भी आंसर सेम वही आपका आएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई जी। अल्लाह हाफिज़ जी। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्स इक्वल 1 3, वाई इक्वल 2 3 एंड जी इक्वल 1 4 8 देन वाई फाई डैट। पहला क्वेश्चन है ये इन सब में इंटरसेक्शन है, दूसरा क्वेश्चन है इन सब में यूनियन है। तो एक क्वेश्चन में आपको पढ़ने लगा, ये दूसरा जो है आपने ये होमवर्क करना है खुद घर में। तो अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। एक्स की वैल्यू लिखेंगे पहले इंटरसेक्शन में आएंगे, फिर ये ब्रैकेट में आएंगे आप कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, फिर वाई की वैल्यू सारी आ गई इंटरसेक्शन, फिर ये जी की वैल्यू आ गई और यहाँ पे ब्रैकेट हो गई क्लोज। सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा होगा वो सॉल्व करना आपने। तो वो हमारे पास आप देखें 2 3 5 और 1 4 8। तो इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू देते हैं जो दोनों में सेम हो। आप यहाँ से देख यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। जब ऐसा केस होगा तो आप खाली ब्रैकेट लगाएंगे, तो खाली ब्रैकेट आ गई, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब फिर ये वाली बिल्कुल सेम नीचे आएगी, इसका आंसर आ गया भाई, इन दोनों को आप मैच करेंगे कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो आपका एम्प्टी ब्रैकेट पहला आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ब्रैकेट की पोजिशन चेंज हो गई है। पहले लास्ट वाली दो पे ब्रैकेट थी, पहली दो पे आ गई है। तो पहले आपने सेम मैसेज सारा लिखना है, ब्रैकेट जो है वो पहली दो पे लगानी है। अब इन दोनों में से आपने देखना क्या सेम है, 1 3 7 2 3 5, तो 3 सेम है दोनों में, ये सेम आ गई। इन दोनों में देखना सेम क्या है, कोई वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका एम्प्टी सेट आपका आंसर आएगा। और सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों अब आप लोगों ने होप इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो आपने क्या करना है मुझे, जहाँ अगर आपने YouTube पे लेक्चर देखा है तो YouTube पे कमेंट कर दें, अगर आपने Facebook पे देखा तो Facebook पे कमेंट कर दें। अगर इन दोनों पर अगर नहीं करना होगा तो मैं WhatsApp नंबर भी आपको दे दूंगा, अगर आपने वहाँ पे करना हो तो वहाँ पे मुझे अपने कमेंट में बताएं, अभी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।